अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं आया हुआ हूँ महर्जी होटल पर, जो यहाँ पर सजाना रोड पर वाक़ है, शेल पेट्रोल पम्प के पास। मेरे ख्याल से फैसलाबाद में ऐसा होटल मैंने अभी तक नहीं देखा जो एक देसी टाइप खाना देते हैं और ढाबा टाइप उनका ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और खाना भी मुनासिब रेट में होता है और कोई महंगा रेट नहीं होता इनका। ठीक है, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू और मुंह में पानी आ रहा है। ये देखें आप, ये जी यकीनन आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा क्योंकि मैंने तो खा लेना है। आप लोगों ने भी अगर खाना है तो आप लोग आ जाएं इधर महर्जी होटल पर और आके ये सालन लगवाएं, बहुत मज़े का सालन इनका। इधर आप लोगों ने आके ना सिर्फ यही कहना है, आपने कहना कि आके जो इनका जो चेस्ट पीस है और लेग पीस है ना बारबेक्यू वाला, आपने ये कहना है कि सिर्फ हम ये फ्राई करके दे दो। मैं भी यही खाता आ रहा हूँ, आज तक मैंने कोई और चीज़ इनकी खाई और पीस ही खा रहा हूँ, और लोग भी तकरीबन जितने दोस्त सब यही खाते हैं। इनका सबसे जो मज़ेदार चीज़ है ना वो बारबेक्यू पीस का जो फ्राई करते हैं ना वही है। इसके अलावा ना मैंने कभी कोई चीज़ इनकी ट्राई की है ना ज़रूरत है। माशाल्लाह आप इनकी सीटिंग देख सकते हैं, ये इनकी टेबल सारे लगे हुए हैं और यहाँ पे बंदा इजी होके खाना खाता है, कोई परेशानी नहीं होती। इसके बाद जो मज़ेदार चीज़ है ना वो सबसे इनकी है ये प्याज़, ये सिरके वाला प्याज होता है, यही खाने वाला होता है। उसके बाद चलें, अब ऑर्डर आ गया हमारा, ये रोटियाँ ही हैं और साथ ये कढ़ाई बन के आ गई उस सालन की, है तो बहुत मज़ेदार। रायता भी आ गया, अब चले अब खाना शुरू करते हैं। बाकी आप लोग भी विज़िट करें, यहाँ पे आएँ, बहुत अच्छा इनका मतलब खाना होता है और सीटिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बंदा इजी होकर खाता है। चले आए खाते हैं अब।